हेलो गाइस और सभी बड़ों को मेरी नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो कि है मनाली। हम लोग अभी क्रिसमस के लिए मनाली के लिए निकल रहे हैं। तो अभी हम वहाँ पर 3-4 दिन स्टे करेंगे और अभी वानिया सोई हुई है और एज यूजल वानिया के पापा ड्राइव कर रहे हैं। प्लस पॉइंट ये है कि आज मैं अपने नए फ़ोन से शूट कर रही हूँ जो कि मेरे पति की देन है। मैंने फ़ोन लिया था, कौन सा फ़ोन लिया मैंने? Apple 15 Pro Max आई गेस। तो ये है मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे मांगा हुआ गिफ्ट। तो अभी हम और आगे चलेंगे और मैं आपको आगे की वीडियोस शेयर करूँगी। जैसे कि आप देख चुके हैं कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। तो अगर आप लोग भी प्लान करें हिमाचल आने का तो प्लीज़ अपने कपड़े अच्छे से पैक करके लेके आइए क्योंकि यहाँ पर मे भी हो सकता है क्रिसमस के टाइम स्नोफॉल भी हो। तो आप लोग अगर प्लान करना चाहेंगे तो प्लीज़ आए हिमाचल में और अच्छे से अपने कपड़े लेके आए। तो इस बार हम लोग मनाली आए थे शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि टनल्स के थ्रू। ये नया NH बना है, इसमें स्वारघाट नहीं आता बीच में, तो आप लोग भी ये रूट ट्राई कर सकते हैं। बच्चे के साथ टाइम का पता ही नहीं लगता और हम लोग पहुंच चुके थे मंडी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंडी से थोड़ी आगे और अभी हम रुके हैं यहाँ पर मंत्रम ढाबा। ढाबा तो क्या ये रेस्टोरेंट टाइप ही है, बट फिर हम यहाँ पे रुके क्योंकि यहाँ से हमने आगे निकलना है कुल्लू के लिए। तो हमने सोचा पहले हम थोड़ी ब्रेक ले लें और कुछ खा लेते हैं, फिर यहाँ से हम निकलेंगे आगे। तो थोड़ी देर हम यहाँ रुकते हैं, थोड़ी धूप सेकते हैं। अभी धूप यहाँ पे थोड़ी ठंडी है क्योंकि बैक साइड में नदी है, उसकी वजह से थोड़ी ठंडक है। बट थोड़ी देर हम यहाँ बैठेंगे और खाना खा के फिर आगे की ओर निकलेंगे। ये था हमारा आज का ब्रेकफास्ट और वानिया को आज उसके पापा खिला रहे हैं। आज हमने सुबह की शुरुआत की गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ। तो अभी हम जैसे ही आगे बढ़े वानिया मुझे अपना चश्मा पहनाने लग गई। इसने काफ़ी ट्राई करी, ट्राई करने के बाद इसने मुझे फाइनली उल्टा चश्मा पहना दिया। मनाली तक पहुंचने का रास्ता नो डाउट बहुत ज़्यादा स्मूथ है, पर हर जगह अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं। तो अभी हमें रास्ते में एक ये छोटा सा पैच मिला था जो थोड़ा सा ख़राब था, आप लोग देख ही सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हर जगह चला रहता है। और हाँ, एक चीज़ और है, जब से ये टनल्स बनी है तब से मनाली तक पहुँचने का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब बीच में स्वारघाट या बरमाना जैसे स्टेशंस नहीं आते और हम लोग स्मूथली और काफ़ी कम टाइम में मनाली पहुँच जाते हैं। अभी हम लोग भुंतर एंटर कर चुके थे और यहाँ पर थोड़ी आगे जाके एक घर दिखेगा जो कि मेरी दादी जी का मायका है। आप लोग देख सकते हैं ये ग्रे शेड वाला जो घर है एग्जैक्टली यही मेरे दादी जी का मायका है। भुंतर से हम लोग जैसे ही आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दिए जो कि यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। यूजुअली मनाली और कुल्लू साइड में पैराग्लाइडिंग करना एक क्रेज़ है और जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर वो पैराग्लाइडिंग ज़रूर ट्राई करते हैं। अब जैसे हम थोड़ी और आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें एक जगह दिखाई दी जो कि फ्लड की वजह से काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। आप सब लोगों को पता है हिमाचल में जो अभी पिछली बरसात थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी और यहाँ पर ये रोड काफ़ी नीचे दब गया था, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये फ्लैश आउट ही हो गया था पानी की वजह से। अब हम लोगों ने ये रूट ले लिया था अपने रिज़ॉर्ट के लिए। हमने गूगल मैप की वजह से ऐसा रूट पकड़ा कि आप लोग पूछो ही मत। ये रूट काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड था और हम लोग यहाँ पे एक दो बार बीच में फंसे भी थे, यानी कि ये रूट आप लगा लो वन वे था, वो भी पूरा। छोटी गाड़ियों के लिए ये ट्रैक ईजी था पर बड़ी गाड़ी के लिए टर्न करना और कई बार पास देना काफ़ी टफ हो जाता था। हमें पास देने के लिए भी काफ़ी पीछे जाना होता था। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे अपने रिज़ॉर्ट यानी कि लारीज़ा। अब आप लोगों को मैं इस रिज़ॉर्ट के बारे में थोड़ी आगे चल के दिखाती हूँ। एंट्रेंस पर कंफर्मेशन होने के बाद हम लोग चलते हैं अपने रिज़ॉर्ट की तरफ। देखिए इसका नज़ारा, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह पर ये रिज़ॉर्ट था। थोड़ा सा हमने टर्न लिया, सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क की। ये है यहाँ का पार्किंग एरिया और पार्किंग एरिया से इधर उधर का नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। ये है फ्रंट व्यू हमारे रिज़ॉर्ट का जिसमें हमने आज के दिन स्टे करना था और इसके चारों तरफ सेब के पेड़ लगाए गए थे और यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियों पर काफ़ी सुंदर बर्फ़ दिखाई दे रही थी। आप लोग देखिए। और अभी हम रिसेप्शन में आ चुके हैं। हमने यहाँ पर वानिया को बिठा दिया था। इसका एम्बियंस बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा कोजी था और वानिया को हमने अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें दे दी है खेलने के लिए ताकि ये थोड़ी देर बिजी रहे। रिज़ॉर्ट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद यहाँ के स्टाफ ने हम लोगों का बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। यहाँ पर इन्होंने हम लोगों को कुल्लू की फेमस कैप और एक स्कार्फ देकर बहुत अच्छे से ग्रीट किया और यही कुछ जेस्चर होते हैं जो रिज़ॉर्ट को फेमस बनाते हैं कि वहाँ का स्टाफ आपको कैसे ट्रीट करता है। तो आइए चलते हैं हम अपने रूम की तरफ। यहाँ पर ये लोग हमारे लगेज ले जा रहे थे और हम लोग भी इनके पीछे पीछे जा रहे थे और अब मैंने वानिया को अपनी कैप और स्कार्फ दिया। राधे राधे भी कर दो, राधे राधे भी कर दो, राधे राधे। आइए चलते हैं अब हम अपने रूम में जहाँ पर हमने आज स्टे करना था। आप लोग भी इस प्रॉपर्टी में आके ये रूम बुक कर सकते हैं। देखिए ये है वो रूम जिसमें हमने आज रहना था। थोड़ी देर रूम में आराम करने के बाद अब हम लोग निकल पड़ते हैं इस रिज़ॉर्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करने और वहाँ पर हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक प्ले रूम भी है। तो हम लोगों ने सोचा कि देखते हैं और वानिया का भी थोड़ा मन बहल जाएगा। तो हम लोग चल पड़ते हैं किड्स प्ले रूम की तरफ। यहाँ पर एंटर होते ही हमें दिखाई दिया टीटी का टेबल जो कि बड़े लोग इजीली खेल सकते हैं और फन कर सकते हैं। ये देखिए ये है किड्स रूम। यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स बनाई हुई थी वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि आंखों को भा गई। और ये है वानिया के लिए खूब सारे टॉयज और अब बारी थी कि वानिया के मम्मा पापा भी थोड़ा फन कर ले। हम लोगों को टीटी खेलनी नहीं आती बट फिर भी थोड़ा चिल और इन्जॉय करने के लिए हम लोगों ने टीटी ट्राई की और हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। टीटी खेलने के बाद अब बारी थी कि हम लोग रूम में जाएं और वानिया को थोड़ा इंजॉय करवाएं, तो हम लोग इसको बिठा देते हैं बाथटब में। आज वानिया फर्स्ट टाइम इतने बड़े बाथटब यानी कि जकूजी में बैठी थी। इसने इतना ज़्यादा इंजॉय किया कि हम बता नहीं सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो आज हमारे लिए वही टाइम था। वानी शाम हो चुकी थी और अब हो चुका था डिनर टाइम, तो हम लोग रूम से निकले तो हमने देखा कि ये रिज़ॉर्ट लाइट में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। दिन के टाइम भी नो डाउट ये रिज़ॉर्ट देखने में बहुत सुंदर है, पर रात की लाइटिंग में रिज़ॉर्ट को देखने का मज़ा कुछ और था। तो हम लोग फिर से चल पड़े और सोचा वानिया को थोड़ा झूला भी झूला देंगे। आप लोग देखिए रिज़ॉर्ट रात को लाइट्स में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है और कुछ पॉइंट्स तो इतने ज़्यादा सुंदर थे कि मैं बता नहीं सकती। हमने वहाँ पर वानिया की कुछ पिक्स भी क्लिक की। तो ये था यहाँ का पूल और पूल बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था ये लाइट की वजह से। साथ ही साथ में इन लोगों ने यहाँ पर पेड़ों में भी लाइट्स लगाई हुई थी, जिसकी वजह से ये एक स्पॉट काफ़ी ज़्यादा एनहांस होकर दिख रहा था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस थी लाइट की वजह से। आप लोग देख सकते हैं वानिया और वानिया के पापा चल पड़े आगे की तरफ और देखिए यहाँ पर ये लोग बैठ गए झूला झूलने। वानिया ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया अपना आज यहाँ का स्टे। अब बारी थी कि हम लोग डिनर करने के लिए चल पड़े और यहाँ पर रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा ठंडक हो जाती है। तो ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया। यहाँ का डाइनिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और यहाँ पर वैरायटी ऑफ फूड आपको अवेलेबल हो जाएगा। बफे सिस्टम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ आपको बहुत तरह का खाना भी मिल जाएगा बच्चे के लिए भी, और प्लस पॉइंट ये था यहाँ पर कि यहाँ पर खाने में मिर्च नहीं थी, तो ईज़िली आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो यहाँ का खाना। और खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा और इस चीज़ को एक्सप्लोर किया तो हमें मिला यहाँ पर एक बार। आप लोग देखिए यहाँ का बार बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था रात की इस लाइट में। तो मैं भी चल पड़ी थोड़ा और शूट करने और भैया को भी मैंने कंपेल कर लिया कि भैया आपको भी इस वीडियो में ले आऊँ। डिनर करने के बाद हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं अपने रूम में और यहाँ पर फायरप्लेस ऑन करने के लिए हम बुला लेते हैं इन भैया को। इन्होंने फायरप्लेस ऑन करने के लिए कुछ लकड़ियाँ अरेंज करी और इसके बाद फायरप्लेस हो गया ऑन। देखिए ये सोना बेबी कौन है? ये सोनी बेबी किसकी है? कौन है ये सोनी बेबी? आप हो? तो इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग समाप्त। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बाय का तो वाना बाय।